Hi students, welcome back to another chemistry lecture. Students, in this lecture we will discuss spectrum and its type. Before discussing the spectrum of hydrogen on the basis of Bohr's model, मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको बताया जाए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और इसकी क्या डिफरेंट टाइप्स किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. हम आज देखेंगे लेक्चर नंबर 15 जो हमने एटॉमिक सीरीज स्टार्ट किया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसका 15 लेक्चर देखेंगे और इसके अंदर डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट टेबल्स के थ्रू कि किस तरह से स्पेक्ट्रम यानी क्या है और उसकी टाइप्स क्या है. यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर टेबल्स भी बनाए हैं जो कि कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद होकर, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए यानी आपको बड़ा ये फ़ायदा देगा. डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर मैंने पहले से ड्रा करके रखी हैं ताकि आपका टाइम कम से कम ज़ाया हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएँ. तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की कि स्पेक्ट्रम क्या होता है. तो स्पेक्ट्रम सबसे पहले आपको बताता हूं कि स्पेक्ट्रम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अपीयरेंस या इमेज. लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है अपीयरेंस या इमेज. अब स्पेक्ट्रम की हम किस तरह से डेफिनेशन करते हैं इसको जरा सा आपको यहां पर बताता हूं. हम जब भी किसी वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो बेंड करती है. अब प्रिज्म क्या है? प्रिज्म हमारे पास एक ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट फ्लैट सरफेस होती है, फ्लैट शेप की सरफेस होती है, ऑब्जेक्ट होता है जिससे अगर हम व्हाइट लाइट को पास करें, रेडिएशंस को पास करें तो वो रिफ्लेक्ट करता है उसको. अब जब हम प्रिज्म में से लाइट को पास करते हैं, यहां पर अगर मैं आपको इस डायग्राम के अंदर बताऊं तो जब हम किसी भी व्हाइट लाइट के सोर्स से रेडिएशंस को, व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म के ऊपर ऑब्जेक्ट करते हैं यानी इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो ये जो ट्रांसपेरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है और स्प्लिट कर देता है, पैटर्न ऑफ रेडिएशंस हमें मिलती हैं. अब ये जो पैटर्न ऑफ रेडिएशंस मिलती हैं ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होती हैं. तो अब हम स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं कि द विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्जन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ विजिबल लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू अ प्रिज्म. जब हम किसी विजिबल लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से तो वो विजिबल लाइट जो होती है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है. अब क्योंकि लाइट जो हमारे पास है व्हाइट लाइट की बात करें तो ये डिफरेंट कंपोनेंट से, डिफरेंट कलर से मिलकर बनती है और वो कलर्स कितने होते हैं? वो हमारे पास 7 होते हैं जो कि हमें स्क्रीन के ऊपर शो होते हैं. तो यहां पर स्पेक्ट्रम का ये मतलब है कि जब भी हम विजिबल लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो विजिबल लाइट्स जिस कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है वो कंपोनेंट्स हमें स्क्रीन के ऊपर जो है वो शोन हो जाते हैं, वो स्प्लिट अप हो जाते हैं, वो हमें डिस्प्ले हो जाते हैं. और जो डिस्प्ले यहाँ पर जो डिस्प्ले होते हैं हमें कलर्स डिफरेंट रेडिएशंस की स्क्रीन के ऊपर, इस फिनोमेना को हम डिस्पर्जन कहते हैं. तो इस सारे प्रोसेस को जिसमें हम प्रिज्म में से लाइट पास करें और हमें डिस्पर्जन वाला फिनोमेना देखने को मिले और डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं विजिबल लाइट के, डिफरेंट पैटर्न ऑफ रेडिएशंस है जब हमें स्क्रीन के ऊपर मिलते हैं तो इस सारे होल फिनोमेना को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. अब एक्सटेंट की बात करें कि एक्सटेंट ऑफ जो बेंडिंग होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर. यानी हम यहां पर अगर मैं आपके लिए लिखूं तो हमारे पास जो बेंडिंग होती है यानी कोई रेडिएशंस जब हम पास करते हैं, व्हाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म में से तो हमारे पास उसके जो कंपोनेंट्स हमें स्क्रीन के ऊपर मिलेंगे वो किस हद तक बेंड करेंगे, वो बेंडिंग जो है रेडिएशंस की डिपेंड करती है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर. यानी व्हाइट लाइट की जो है वो फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट जो रेडिएशंस हैं उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर यानी मुनसर करती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है. अब यहां पर अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो जब हमने व्हाइट लाइट को यहां से पास किया तो हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रेडिएशंस मिले, डिफरेंट कंपोनेंट्स मिले. अब इसमें अगर आप यहां पर गौर करें तो यहां पर जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा जो है यहां पर डिफ्लेक्ट हुआ है, बेंड हुआ है, सॉरी रिफ्लेक्ट हुआ है यानी बेंड हुआ है. अब बेंड क्यों हुआ है? क्योंकि वायलेट जो कलर है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है. अभी मैंने यही बात की कि जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी जिस रेडिएशन की, जिस कलर की, वो उतना ज्यादा बेंड होगा. तो लिहाजा क्योंकि वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो लिहाजा उसने सबसे ज्यादा जो है वो यहां पर बेंडिंग शो की है. और वाइस वर्सा अगर हम बात करें, अगर एक कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी जाहिरी बात है जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी. अगर यहां पर मैं जो हमारे पास जो रेडिएशंस मिलेंगी, जो पैटर्न मिलेगा रेडिएशंस, डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं व्हाइट लाइट्स की, उनकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का यानी ऑर्डर बताऊंगा आपको तो यहां पर हम फ्रीक्वेंसी का किस तरह से ऑर्डर लिखेंगे. सबसे पहले यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिख देता हूं. तो इसको हम याद रखते हैं इस सारे पैटर्न ऑफ रेडिएशंस को विबग्योर नाम से. क्या है हमारे पास? विबग्योर से याद रखते हैं इसको.
यानी हमारे पास वायलेट कलर मिलता है, इंडिगो मिलता है, ब्लू मिलता है, ग्रीन मिलता है, ऑरेंज मिलता है और इस तरह से रेड मिलता है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो साथ में जी के बाद यहाँ पर वाई भी आता है, यहाँ पर येल्लो भी मिलता है। अब इसकी क्या ऑर्डर बनेगा, यानी इस डायरेक्शन के अंदर हम बात करें तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। काम होने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वायलेट कलर की होगी, फिर इंडिगो की होगी, और जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी वो रेड कलर की होगी। अगर इसी तरह हम वेवलेंथ की बात करें तो इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होगी, यानी वायलेट की जो है वेवलेंथ सबसे कम होगी जबकि रेड की जो है वो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास ऑर्डर है कि किस ऑर्डर के साथ, किस वेवलेंथ के साथ, किस फ्रीक्वेंसीज के साथ यहाँ पर हमारे पास रेडिएशंस मिलती है। अब तो ये हमारे पास बात यहाँ पर क्लियर होगी आपके लिए कि बेंडिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर या वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, यानी जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी बेंडिंग उतनी ही ज्यादा होगी, अगर वेवलेंथ जितनी कम होगी तो बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी। तो इसी के मुताबिक हमें यहाँ पर जो है वो रेडिएशंस या पैटर्न ऑफ रेडिएशंस मिलता है। अब ये बात तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करें ऑर्डिनरी लाइट की, तो आपको पता है कि जो ऑर्डिनरी लाइट है वो कलेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कलेक्शन है। तो जब हम इसको प्रिज्म में से पास करते हैं तो ये स्प्लिट अप हो जाता है डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशंस के अंदर, जैसा कि अभी यहां पर मैंने बताया। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ये सारी की लिखी हुई है, यानी यहां पर जो विब ग्योर मैंने यहां पर लफ्ज लिखे हैं इनका कौन कौन सा इसका मतलब बनता है, यानी वी से वायलेट बनेगा, आई से इंडिगो बनेगा, और साथ में इनकी जो पार्टिकुलर वेवलेंथ है वो भी यहां पर मैंने शोन की है जो कि नैनोमीटर के अंदर होती है। तो ये अगर आपको वेवलेंथ देखनी है तो आप यहां से वेवलेंथ भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास रेड कलर है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, यानी एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। इस तरह से वायलेट की बात करें तो वायलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, अगर वेवलेंथ सबसे कम है तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो बेंडिंग भी ज्यादा होगी इस इक्वेशन के, इस फार्मूले के तहत। तो यहां पर ये बातें आपको समझ आ गई, ये यहां पर मैंने आपको क्लियर किया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है बेसिकली। उसके बाद हम जाते हैं आगे, थोड़ा सा चलते हैं, तो जो डिफरेंट रेडिएशन हमें मिलती हैं वो अरेंज्ड होती हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। ये वहां पर आपको मैं समझा चुका हूं कि डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर होती है। अब बात करें ये जो पैटर्न हमें मिलता है इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास यूज होता है और इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं जी स्पेक्ट्रोमीटर। अब जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो भी इसी तरह से काम करता है कि जब उससे लाइट पास की जाती है तो वैसे हमें डिफरेंट रेडिएशन की जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की जो हमें रेडिएशन है वो पैटर्न पूरा दिखाता है स्क्रीन के ऊपर। तो स्पेक्ट्रोमीटर भी यही सेम जॉब करता है। अब डिफरेंट रेडिएशन की बात करें तो डिफरेंट रेडिएशन की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं और वो डिफरेंट रीजन्स के अंदर लाई करती हैं और उनको हम डिफरेंट नाम भी देते हैं। अब यहाँ पर ये जो टेबल है ये आपको डिफरेंट रेडिएशंस के बारे में बताएगा और इनकी जो वेवलेंथ है पार्टिकुलरली और इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बताएगा। तो अब इस सारे टेबल को आप किस तरह से याद कर सकते हैं, यानी इस रेडिएशंस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर किस तरह से आप याद कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा यहां पर मैं गाइड करूंगा। वो इस तरह से कि अगर यहां पर मैं लिखूं आपके लिए तो आप इसको सिंपली इस तरीके से इस पूरे टेबल को लिख सकते हैं, यानी आप इस तरह से कि आर एम आई लिखें। हमारे पास वैसे हम देखें तो हमारे पास एक टेक्निक यूज होती है, वो होती है एम आर आई। अब एम आर आई को थोड़ा सा आप चेंज करके यहां पर लिखेंगे, जहन के अंदर याद रखेंगे कि आपने आर एम आई लिखना है। आर एम आई लिख के फिर आप लिखेंगे विजिबल, यानी विजिबल जो रीजन है हमारे पास लाइट्स का। उसके बाद हमारे पास आएगा अल्ट्रा वायलेट, और उसके बाद हमारे पास आएगा एक्स रेज, और फिर गैमा रेज आएंगे। जब आपने ये लिख लिया तो इससे आपका आधा काम जो है इस टेबल का हो जाएगा। अब सबसे पहले तो हमने ये डिफरेंट जो रेडिएशंस है हमारे पास जो डिफरेंट रीजन्स के अंदर लाई करती हैं वो हमने लिख ली। उसके बाद आपने क्या करना है, इनका ऑर्डर देखना है कि ये इसमें फ्रीक्वेंसी का क्या ऑर्डर होगा और वेवलेंथ का क्या ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर मैं बताता हूं। तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आप किस तरह से लिखेंगे, यहां से सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी गैमा रेज की होगी, फिर एक्स रेज की होगी, फिर यानी अल्ट्रावायलेट, फिर ये वायलेट, यानी इस ऑर्डर के अंदर आपने लिखना है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस तरफ जो है वो इंक्रीज होती है।
और जब आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हमारे पास होती है तो हमारे पास जो एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज होती है, यानी हम कह सकते हैं इन द सेंस कि सबसे ज्यादा एनर्जी किन रेस की है, वो गामा रेस की है। अगर एनर्जी ज्यादा है तो यानी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा है, और जब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो लिहाजा गामा रेस की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होगी, क्योंकि आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो इस तरफ अगर आप राइट हैंड साइड पर चलेंगे तो गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और जब आप आगे चलते जाएंगे यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे तो हमारे पास जो रेडियो वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। इसी को अगर आप उल्ट कर लें तो आप अपोजिट कर लें तो हमारे पास जो है वो वेवलेंथ की जो है वो ऑर्डर निकल आएगा, यानी इस तरफ जो है हमारे पास जो वेव लेंथ है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब यह है कि आर यानी रेडियो वेव्स की जो वेव लेंथ है वो सबसे ज्यादा है और गामा रेस की वेव लेंथ सबसे कम है। यानी इस तरीके से आप इस पूरे ऑर्डर को यानी इंक्रीजिंग वेव लेंथ और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज के तौर पर इसको याद कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि आर एम आई अल्ट्रा यू यानी विजिबल अल्ट्रा वायलेट एक्स और गैमा रेस आप यहां पर सिंपली लिखेंगे और गैमा रेस से यहां पर स्टार्ट करेंगे कि गैमा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और इस तरह से आप इस पूरे टेबल को आसानी से याद कर सकते हैं। अब यहां पर जो नीचे मैंने वेवलेंथ डिफरेंट लिखी हुई है, नैनोमीटर के अंदर जो इसकी रेंज लिखी हुई है वो आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है कि आप अगर देखें तो हमारे पास जो रेडियो वेव्स है उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, 10^8 है। अगर आप यहां पर बात करें गैमा रेस की तो उनकी जो वेव लेंथ है सबसे कम है, वो ऑर्डर के अंदर है 10^-3, -3 कम वैल्यू होती है। तो लिहाजा यहां पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो डिफरेंट रेडिएशंस हैं जो डिफरेंट रीजन्स के अंदर लाई करती हैं उनकी डिफरेंट वेव लेंथ होती हैं और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन इनके ऑर्डर के बेसिस के ऊपर आता है कि आपको 2-3 इनमें से कोई भी रेडिएशंस दे दी जाएंगी, ऑप्शंस के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, किसकी सबसे ज्यादा वेव लेंथ है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। तो ये टेबल आपको इस तरीके से याद हो सकता है। अब हम जाते हैं टाइप्स के ऊपर कि टाइप्स क्या है हमारे पास स्पेक्ट्रम की। अब स्पेक्ट्रम की बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, एक हमारे पास आता है लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा आता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम को याद करने के लिए आपके लिए आसानी से यहां पर यानी आप इसको आसानी से याद कर लें, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको टेबल के अंदर यानी इसको मैंने कंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर आप थ्योरी वाले बच्चे हैं यानी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी आपको बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो फिर तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा कि एक टेबल की फॉर्म के अंदर सारी जो थ्योरी है वो आपकी कंक्लूड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की। अब लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जब हम किसी भी गैस मॉलिक्यूल को जो है या किसी भी गैस को किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम हीट करते हैं तो उसके अंदर जो मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और वो एक्साइट कर जाते हैं। अगर आप यहां पर देखें तो लाइन स्पेक्ट्रम जो है उसको यहां पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब आप एनर्जी देते हैं किसी पार्टिकुलर गैस एटम को तो उसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं, और बोर्स का आपने मॉडल पढ़ा कि जब भी वो एनर्जी गेन करते हैं तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट्स के अंदर चले जाते हैं। अब एनर्जी गेन करके वो हायर ऑर्बिट्स के अंदर गए, एक्साइटेशन हुई उनकी, अब वही जो इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट्स के अंदर आएगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। अब जो वो एनर्जी को रिलीज करता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी एक्साइटेशन कहते हैं। अब जो वो एनर्जी रिलीज करता है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या फोटॉन्स या हम कह सकते हैं लाइट पैकेट्स की सूरत में हमारे पास वहां से निकल जाती है। अब वो जो एनर्जी या वो एनर्जी के जो पैकेट्स हैं वहां से निकलते हैं वो जब हम एक प्रिज्म के ऊपर जब हम उसको इंसिडेंट करवाते हैं तो वो डिफरेंट जो है हमारे पास रेडिएशंस का पैटर्न देता है। अब डिफरेंट पैटर्न ऑफ रेडिएशन हमें मिलते हैं, अब वो जो पैटर्न हमें मिलते हैं डिफरेंट रेडिएशंस के उनके अंदर आप देखा जाता है कि उनके अंदर हमें क्या पैटर्न मिल रहा है। अगर हम बात करें, अगर आप डायग्राम भी साथ देख रहे होंगे, मैं आपको यहां पर शो कर देता हूं, अगर आप ये लाइन स्पेक्ट्रम को देखें ये स्क्रीन के ऊपर जब हम मिलता है तो उसकी बात की ये पिक्चर है, इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास जो डिफरेंट कलर्स मिले हैं इनके दरमियान एक शार्प बाउंड्री है, एक क्लियर कट बाउंड्री है जो कि एक कलर को दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहा है। जब हमें ऐसा स्पेक्ट्रम मिले जिसमें एक कलर दूसरे से डिफरेंशिएट हो रहा हो एक बाउंड्री के साथ, एक
क्लियर कट बाउंड्री के साथ, तो उस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, उस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये बात की हमने लाइन स्पेक्ट्रम की कि हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता क्या है, कैसे मिलता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम की यहां पर कुछ जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है उनको यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें तो डार्क लाइंस, तो बिल्कुल हमें डार्क लाइंस मिलती हैं। डार्क लाइंस का मतलब यहां पर यह है कि हमें क्लियर कट बाउंड्री मिलती है, दो दो यानी जो पार्टिकुलर कलर्स होते हैं डिफरेंट रेडिएशंस के, उनके दरमियान हमें एक डार्क लाइन मिलती है जो कि उन दो पार्टिकुलर कलर्स को डिफरेंशिएट करती है। तो यहां पर हमें चेक लगाएंगे यानी इनके अंदर डार्क लाइंस देखने को मिलती हैं। उसके बाद शार्प बाउंड्रीज की बात करें, बिल्कुल इनका यही फीचर है कि इनके जो कलर्स होते हैं हमें जो स्पेक्ट्रम के अंदर मिलते हैं स्क्रीन के ऊपर, उनके दरमियान शार्प बाउंड्रीज होती हैं, यहां पर भी हम चेक लगाएंगे। इसके बाद ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स, तो हमें इनके अंदर कोई भी ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स नहीं मिलती क्योंकि इनके दरमियान एक क्लियर कट बाउंड्री होती है, तो इनके अंदर जो कलर्स मौजूद होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते, तो यहां पर हम क्रॉस लगाएंगे। इसी तरह से हम ये प्रॉपर्टी आप कौन सा शो करते हैं, यानी कौन से एटम्स या कौन से मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं या बुल्क के अंदर कौन यानी ये लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट एटम्स होते हैं हमारे पास, जब हम उनको एक्साइट करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम को शो करते हैं, और इसी लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम को आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट एटम्स शो करते हैं जब उनको हम एनर्जी देते हैं, तो यहां पर ये भी आपने समझ लेना है। अब एग्जांपल क्या आती है इनके अंदर, एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो सोडियम है, जब सोडियम को आप हीट करते हैं, बेंसन फ्लेम के अंदर हीट करते हैं, तो सोडियम जो हमारे पास है वो हमें कलर देता है येलो कलर। तो सोडियम हमारे पास कौन सा कलर देता है, वो येलो कलर देता है, यहां पर मैं वाई से इंडिकेट कर देता हूं। इस तरह से हम स्ट्रॉन्शियम की बात करें तो स्ट्रॉन्शियम जो है हमारे पास वो रेड कलर देता है, आर से मैं यहां पर डिनोट कर रहा हूं। इसी तरह से हम बात करें वायलेट कलर कौन देता है, पोटेशियम, जो पोटेशियम हमारे पास के से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें कौन सा कलर देता है, वो वायलेट कलर देता है। अब यहां पर अगर आप देखें तो डिफरेंट जो एटम्स है हमारे पास यानी तो वो डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट कलर्स को इमिट कर रहे हैं, वो अब किस पर बेस करता है, वो बेस करता है कि कौन सी एनर्जी वो ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसको फिर इमिट कर रहे हैं और हमें स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। तो इस तरह से आप इस टेबल की मदद से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब आप हम जाते हैं दूसरी टाइप के ऊपर स्पेक्ट्रम की, और वो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को आपको किस तरह से डिफाइन करते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारे पास एक ऐसा स्पेक्ट्रम है कि जब आप लाइट को इमिट करते हैं प्रिज्म के ऊपर, जैसा कि यहां पर मैंने आपको बताया कि जब भी आप लाइट को इमिट करते हैं प्रिज्म के ऊपर, तो वो वाइट लाइट जो है डिफरेंट पैटर्न ऑफ रेडिएशन हमें देती है स्क्रीन के ऊपर। अब अगर आप यहां पर साथ में डायग्राम भी शो करूंगा, अगर आप इस पैटर्न ऑफ रेडिएशन को देखें तो इनके अंदर जो डिफरेंट कलर्स हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स के, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हैं, उनके दरमियान कोई भी क्लियर कट बाउंड्री हमें नजर नहीं आ रही। अगर ऐसा पैटर्न हमें मिले रेडिएशन का जिसके अंदर कलर्स एक दूसरे से डिफरेंशिएट ना होते हों, जो जिसमें एक दूसरे से कलर क्लियर कट बाउंड्री से डिफरेंशिएट ना होते हों, तो ऐसे पैटर्न ऑफ रेडिएशंस को या ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास रेनबोस, या ये जो यहां पर मैंने वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम शो किया है ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम शो कर रहा है। इसके अंदर जो कलर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इमर्ज हुए हुए हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब यहां पर टेबल के ऊपर चले जाते हैं, यहां पर हम चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को, तो इनके अंदर किसी किस्म की भी कोई भी डार्क लाइंस या क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं पाई जाती, इस तरह से शार्प बाउंड्रीज इनके दरमियान नहीं होती, और ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स पाया जाता है, यानी दो जो डिफरेंट रेडिएशन के या फ्रिक्वेंसी के जो कलर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, तो यहां पर हम चेक लगा देंगे, टिक लगा देंगे। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कौन शो करता है स्पेक्ट्रम, तो हमारे पास बुल्क जो है हमारे पास वो शो करता है यानी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को। एग्जांपल की बात करें तो बेहतरीन एग्जांपल है इसकी व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम, यानी जो व्हाइट लाइट हमें स्पेक्ट्रम देती है वो हम कह सकते हैं इसकी एग्जांपल में आता है। या रेनबोस की बात करें, रेनबोस की यहां पर मैं साथ में आपको तस्वीर बताऊंगा कि जब आपने देखा होगा कि जब बारिश लगती है तो उसके बाद हमें आसमान के ऊपर डिफरेंट जो कलर्स हैं उनकी एक हमें यानी हमें नजर आता है, और वो हमारे पास क्या शो करता है, वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करता है। तो यहां पर हम इसकी एग्जांपल के तौर पर रेनबो भी याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होगी टाइप स्पेक्ट्रम की। अब यहां पर आगे हम थोड़ा सा चलते हैं तो हमारे पास अब जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसकी भी आगे से दो टाइप्स आती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से समझना होगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कंपिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि असल में यहां पर टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपने समझना है। अब लाइन स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया जिनके दरमियान क्लियर कट बाउंड्री होगी, अब उनकी भी दो टाइप्स आती हैं। एक टाइप हमारे पास आती है लाइन
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक हमारे पास आती है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। दोनों को हम डिटेल के अंदर देखेंगे, दोनों को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम तो आपने देख लिया कि हमें किस तरह से मिलेगा, जब भी हम किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या जिस वक्त भी हम किसी गैस के मॉलिक्यूल को, गैस के एटम को हम हीट करेंगे तो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को लेकर एक्साइट होंगे, फिर डी एक्साइट होंगे और हमें एनर्जी मिलेगी। और वो एनर्जी जब हम प्रिज्म में से पास करेंगे तो हमारी स्किन के ऊपर डिफरेंट पैटर्न ऑफ रेडिएशंस मिलेगा और उन पैटर्न ऑफ रेडिएशंस के अंदर जो मौजूद कलर्स होंगे उनके दरमियान क्लियर कट बाउंड्री होगी और उस स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब हम जाते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। एक है हमारे पास लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, कि हमें लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो किस तरह से मिलता है। अगर आप यहां पर गौर करें तो यहां पर मैंने इसके लिए यानी बनाया हुआ है सबसे पहले कि हमारे पास किस तरह से होगा। कि अगर आप देखें तो यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये यहाँ पर मैंने डिफरेंट जो है लाइन एब्जॉर्प्शन और लाइन एमिशन को शो किया है। सबसे पहला जो पैटर्न है वो हमारे पास लाइन एब्जॉर्प्शन का है और दूसरा जो पैटर्न है वो लाइन एमिशन का है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लाइन एब्जॉर्प्शन किस तरह से हमें मिलता है। तो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर इस तरह से होता है कि जब हम किसी गैस को यानी हीट देते हैं तो वो जो गैस मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं वो डिफरेंट एनर्जीज के यानी डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो एनर्जीज होती हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेती हैं। जब उनको ऑब्जॉर्व करती हैं तो वो डी एक्साइट होकर फिर उनको रिलीज करती हैं। जब रिलीज करती हैं तो हमें स्पेक्ट्रम के स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट रेडिएशंस मिलती हैं और उनके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं और उन प्रॉपर्टीज को हम फिर जज करके उनको देख कर फिर हम अंदाजा लगाते हैं कि ये हमारे पास लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है या लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो यहां पर अगर आप देखें तो मैंने टेबल बनाया है, टेबल से हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या पैटर्न मिलता है रेडिएशंस का जब हम उनको स्पेक्ट्रम की स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो मैंने पैटर्न बनाया है ये लाइन एब्जॉर्प्शन के लिए बनाया है। तो लाइन एब्जॉर्प्शन के ऊपर जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर तो बैकग्राउंड हमें कैसा मिलता है, बैकग्राउंड हमें ब्राइट मिलता है। यानी जो हम जब रेडिएशंस को फॉल करवाते हैं डिफरेंट एनर्जीज की तो हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड कैसा मिलता है, ब्राइट मिलता है। अब यहां पर आपको थोड़ी सी ट्रिक भी छोटी सी बताऊंगा जिसकी मदद से आप ये याद कर पाएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि लाइन एब्जॉर्प्शन के अंदर हमें बैकग्राउंड ब्राइट मिलता है या लाइन एमिशन के अंदर मिलता है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपने सिर्फ अपने जहन के अंदर कुछ ना कुछ सोचना होता है उसके मुतालिक, यानी आपको कि किसी तरह से वो चीज़ कंफ्यूज ना करे और आपको लंबे अरसे तक याद रहे, आपके एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज ना करे। अगर आप इसको वैसे रट्टा मार के जाएंगे कि बैकग्राउंड ब्राइट होगा लाइन के अंदर डार्क होगा या स्पेक्ट्रल लाइंस कैसी होंगी तो वो आपको जरूर कंफ्यूज करेगा और आपको भूल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको छोटी सी सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक तो नहीं कह सकते हम, कह सकते हैं कि लॉजिक के तौर पर आप इसको याद कर सकते हैं। कि अगर आप यहां पर गौर करें तो हमारे पास प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड के अगर मैंने लाइन एब्जॉर्प्शन की बात करनी है और फिर लाइन एमिशन की बात करनी है, अब आप कि सर हम किस तरह से यानी ये समझ लें कि पहले हम अब्सॉर्प्शन देखेंगे और फिर एमिशन देखेंगे। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अब्सॉर्प्शन का ए जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर पहले आता है, तो इसीलिए आप इस तरह से ध्यान में याद रखेंगे कि लाइन अब्सॉर्प्शन हमारे लिए पहला है और उसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट है। किस तरह से आप याद रखेंगे कि बैकग्राउंड बी से बनता है और बी से ही ब्राइट है, यानी जो हमारे पास अब्सॉर्प्शन है वो शुरू में आता है और उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, जैसा बैकग्राउंड लफ्स पहले लफ्स से मिलकर बना है यानी बी से, यानी बैकग्राउंड बी से बनता है और बी से ही ब्राइट बनता है और ये अब्सॉर्प्शन के लिए होगा। इसी का उलट जो है, इसी का ऑपोजिट जो है हमारे पास लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर मिलेगा, यानी लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर जो हमें बैकग्राउंड मिलता है वो डार्क होता है। यानी इस तरह से आप इसको अपने जहन के अंदर यानी क्रिएट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि आपको ये एग्जाम के अंदर या क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज ना करें। अब असल में होता क्या है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर, कि जब हमें डिफरेंट रेडिएशंस की हमें पैटर्न मिलता है स्क्रीन के ऊपर तो उस पैटर्न ऑफ रेडिएशंस के अंदर डिफरेंट जो वेवलेंथ की पैटर्न हमें मिलता है उनका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्राइट होता है। अगर आप यहां पर देखें तो इसको मैंने ब्राइट को जो है वो येलो कलर से शो करना चाहा है ताकि आपको क्लियर कट नजर आ सके। तो हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट है और जो लाइंस हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ की शो कर रही है रेडिएशन कलर जो है वो डार्क कलर से शो किए हैं यहां पर। तो लिहाजा यहां पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेंगी वो बैकग्राउंड के अपोजिट मिलेंगी। अगर बैकग्राउंड ब्राइट है तो हमारे पास लाइंस कौन सी होंगी, वो डार्क होंगी। यानी इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। सिर्फ आपने यह समझना है कि लाइन एब्जॉर्प्शन के लिए बैकग्राउंड ब्राइट होगा बी से, बैकग्राउंड बी से ब्राइट, और आगे जो चीजें होंगी वो अपोजिट हो जाएंगी। बैकग्राउंड ब्राइट है
तो स्पेक्ट्रल लाइंस डार्क हो जाएंगी। अगर लाइन एब्जॉर्प्शन का बैकग्राउंड ब्राइट है तो लाइन एमिशन का उसको उलट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। और अगर लाइन एमिशन का बैकग्राउंड डार्क है तो उसका जो स्पेक्ट्रल लाइंस होगी वो ब्राइट हो जाएंगी। यानी इस तरह से आप पूरे टेबल को ना आसानी से याद कर सकते हैं। इस थोड़े से कंसेप्ट को आपने जरा से ध्यान में रखना है। अब यहां पर लाइन एमिशन की बात करें तो लाइन एमिशन का अगर आप स्पेक्ट्रम देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो यहाँ पर एमिशन होती है डिफरेंट रेडिएशंस की, एनर्जीज की, जब हम उसी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो हमारे पास उसका जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से शो करना चाहा है। अब इसके अंदर आप स्पेक्ट्रल लाइन्स देखें तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स की, यहाँ पर इसको अगर आप देखें तो ये हमें ब्राइट शो हो रही हैं। आपको साथ में रियल जो डायग्राम है वो भी बता दूंगा ताकि आप उससे भी समझ सकें कि हमारे पास किस तरह से पैटर्न ऑफ रेडिएशंस मिलता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास जो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम है उसका बैकग्राउंड डार्क मिलता है और जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो ब्राइट मिलती है। तो ये सारा आज का फिनोमेना था, ये सारी आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने डिफरेंट जो है चीज़ों को समझना चाहा। यानी सबसे पहले हमने स्पेक्ट्रम को देखा कि स्पेक्ट्रम क्या है, फिर उसकी टाइप्स देखें, कुछ यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक भी बताई कि किस तरह से आप इस पूरे टेबल को याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने ये पूरी डायग्राम देखी, ये मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई, मैंने बोला ताकि आपको ज्यादा अच्छे से तब समझ आ सके, मैं आपको सामने रखकर बता सकूं कि किस तरह से लाइट को पास आउट करवाया जाता है प्रिज्म से, वो किस तरह से बेंड होती है डिफरेंट रेडिएशंस के अंदर। और इस तरह से हमने फिर टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम भी देखा। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही जो वीडियोस हैं हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको जो है हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उन वीडियोज़ को भी देख सकेंगे और वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसके अंदर हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बोहर जो मॉडल है उसकी बेसिस पर। सो अल्लाह हाफिज़।